नमस्कार मित्रों, माँ भवानी क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूँ आपका दोस्त रतन सिंह। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कि महाभारत का युद्ध किन गांवों के कारण हुआ, तो फिर हम चलिए संक्षिप्त में उन पांच गांवों का नाम जानते हैं। आज से लगभग 5000 साल पहले लिखा गया महाभारत आज भी इतना ही रोचक है। आम आस्थालुओं के लिए ये निर्विवाद श्री कृष्ण की लीला है, लेकिन कुछ पुरातत्व और वैज्ञानिक आधार पर बताते हैं कि सच में महाभारत हुआ था और तब का ये विश्व युद्ध था जिसमें खंड के सभी छोटे बड़े देशों ने हिस्सा लिया था। बदला स्त्री का अपमान और जमीन की लालच युद्ध के लिए बड़ा कारण था। तब के सबसे कदावर राजनीतिज्ञ द्वारिका नरेश श्री कृष्ण ने हर संभव प्रयास किया कि युद्ध न हो, लेकिन युद्ध हुआ। लेकिन कौरव ये पांच गांव पांडव को देने को राजी हो जाते तो आज महाभारत ग्रंथ होता या नहीं, उन पर भी सवाल रहता। चलो देखते हैं ये पांच गांव कौन कौन से हैं और इनका नाम भी जानते हैं। नंबर एक पर है इंद्रप्रस्थ। महाभारत में इंद्रप्रस्थ का उल्लेख कहीं कहीं पर श्रीपद के नाम से भी मिलता है। जब पांडवों और कौरवों के बीच संबंध खराब हो गए थे तो धृतराष्ट्र ने यमुना के किनारे खांडवप्रस्थ क्षेत्र को पांडवों को देकर अलग कर दिया था। यह क्षेत्र बड़ा ही दुर्गम था, यहाँ की जमीन भी उपजाऊ नहीं थी, लेकिन पांडवों ने इस उजाड़ क्षेत्र को आबाद कर दिया। इसके बाद पांडवों ने रावण के ससुर और महान शिल्पकार मायासुर से विनती कर यहाँ सुंदर नगरी बसाई, जिसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। मौजूदा समय में दिल्ली का दक्षिणी इलाका महाभारत काल का इंद्रप्रस्थ माना जाता है। नंबर दो पर है व्याघ्रप्रस्थ। महाभारत काल के व्याघ्रप्रस्थ को आज बागपत कहा जाता है। इस जगह को मुगल काल से बागपत कहा जाने लगा। आज ये जगह उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहा जाता है कि इसी जगह पर दुर्योधन ने लाक्षाग्रह का निर्माण करवाकर पांडवों को मारने की साजिश रची थी। लाक्षाग्रह का एक भवन था जिसे दुर्योधन ने पांडवों के विरुद्ध एक षड्यंत्र के तहत उनके ठहरने के लिए बनाया था। इसे लाक्षा निर्मित किया गया था ताकि पांडव जब इस घर में रहने आए तो चुपके से इसमें आग लगाकर उन्हें मारा जा सके। नंबर तीन पर है स्वर्णप्रस्थ। स्वर्णप्रस्थ का तात्पर्य सोने के शहर से है। महाभारत का स्वर्णप्रस्थ आज सोनीपत के नाम से जाना जाता है। समय के साथ साथ महाभारत का स्वर्णप्रस्थ सोनप्रस्थ बना और फिर सोनीपत कहलाया। आज ये हरियाणा का एक प्रसिद्ध शहर है। नंबर चार पर है पांडुप्रस्थ। महाभारत काल में आज के पानीपत को पांडुप्रस्थ कहा जाता था। इसी पानीपत के पास कुरुक्षेत्र स्थित है जहाँ महाभारत का युद्ध हुआ था। पानीपत नई दिल्ली से 90 किलोमीटर उत्तर में है। नंबर पाँच पर है तिलप्रस्थ। तिलप्रस्थ नाम का यह गांव आज तिलपत के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा के फरीदाबाद जिले का एक कस्बा है।